गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे वी डिस्कस हियर क्लास टेंथ सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर सेकंड नाउ इन दिस वीडियो बी एक्सप्लेन आर इन एस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स आर इनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स इन 1887 एटी सेवन इस वेंट आरवीएस अ स्विडिश कैमिस्ट प्रपोज अ न्यू थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस नोन एज आर इन एस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स स्वेंटे आर्यनिस जो थे एक स्वेडिस केमिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज की एक थ्योरी एसिड और बेस से रिलेटेड इसको बोलते हैं हम आरनिस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड अकॉर्डिंग टू आरनिस थ्योरी एसिड आर सब्सटेंस बिच डिसोसिएट इन सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन आर्यनस के अकॉर्डिंग एसिड वह सब्सटेंस हैं बिच डिसट इन एक्वासोल्यूशन जो कि एक्वासोल्यूशन में गिव हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन जो कि हाइड्रोन आयन देते हैं या हाइड्रोनियन हाइड्रोनियम आयन क्या करते हैं देते हैं फॉर एग्जाम्पल सबस्टेंस सच एज एच सी एल एच एन ओ थ्री सी एस थ्री सी डबलो एच एंड एच टू एस ओ फोर मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड एंड सल्फोरिक एसिड आर एसिड बिकॉज दे गिव ए हाइड्रोनियम आयन ये क्या करते हैं हाइड्रोन आयन देते हैं ठीक है थीके? और वेन डिजोल्व इन वाटर जो कि वाटर में डिजोल्व होते हैं एग्जाम्पल एच सी एल रियक्ट विद वाटर देन फॉर्म हाइड्रोनियम आयन प्लस सी एल माइनस आय ओके एंड अदर एच एन ओ थ्री रिएक्ट विद वाटर देन फॉर्म हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रोनियम एनओ थ्री माइनस ठीक है तो इस प्रकार से ये एच थ्री ओ प्लस माइनस है से आयन क्या करता है हाइड्रोन देता है एंड अदर सी एस थ्री सी डबल ओ एच प्लस वाटर एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है वाटर से देन फॉर्म हाइड्रोन एंड सी एस थ्री सी डबल ओ माइनस एन ठीक है तो इस प्रकार से एच सी एल एच एन ओ थ्री और सी एस थ्री सी एच ये हाइड्रोन प्रोड्यूस करते हैं तो इस प्रकार से आर एन एस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो आ, सोल्यूशन में एक्ो सोल्यूशन में आयन प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं हम एसिड्स ओके एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड स्ट्रांग एंड वीक एसिड्स, ठीक है क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं हम एसिड्स का जैसे नंबर फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड द एसिड आर कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एसिड का क्लासिफिकेशन टू टाइप से किया गया है एक स्ट्रॉग एसिड एन अदर पीक एसिड ठीक है स्ट्रोंग एसिड में द एसिड विच आर कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर आर कोल्ड स्ट्रोंग एसिड ऐसे एसिड जो कम्प्लीटली आयोनाइ हो जाते हैं वाटर में उसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉमन नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर स्ट्रोंग एसिड एच सी एल एच एन ओ थ्री और सेल्फ्यूरिक एसिड एच टू एसओ फोर ये क्या है स्ट्रांग एसिड है बिकॉज़ दे आर फुली आयनाइज्ड ये क्या हो जाते हैं फुली आयनाइज हो जाते हैं इन एक्वा सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन में ये फुली आयनाइज होते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम स्ट्रांग एसिड एग्जांपल HCl रिएक्ट विद वाटर देन फॉर्म हाइड्रोनियम आयन एंड Cl- आयन ओके अनदर HNO3 रिएक्ट विद वाटर देन फॉर्म हाइड्रोनियम आयन एंड NO3- आयन एंड H2SO4 sulfuric acid react with water then form वाटर देन फॉर्म हाइड्रम आयन एंड एसो फोर ठीक है तो इस प्रकार से ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं बिकॉज ये क्या करते हैं ये फुली आयोनाइज होते हैं ठीक है ये क्या होते हैं फुली आयोनाइज होते हैं द सिंगल एरो पॉइंटेड टर्ड्स राइट इन द अबव इक्वेशन इंडिकेट दिस एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज ठीक है इनको सिंगल एरो से दिया, शो किया गया है तो इसलिए इसका मीन्स है कि ये कंप्लीटली क्या होते हैं आयोनाइज होते हैं ओके और हाइड्रोनामाायन क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं एंड बीक एसिड द एसिड विच आयोनाइज टू ओनली अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं एक्सटेंट होते हैं स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं स्मॉल अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं एच ओ एस थ्री ओ एस थ्री ओ मीन्स है कि हाइड्रोनामाइन जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में ही क्या होते हैं ये आयोनाइज होते हैं आर कॉल्ड बीक एसिड ठीक है मीन्स बीक एसिड जो क्या होते हैं स्मॉल अमाउंट में ही क्या होते हैं आयोनाइज होते हैं उसको क्या बोलते हैं बीक एसिड फॉर एग्ज़ाम्पल एसिटिक एसिड एंड एच सी एन मीन्स हाइड्रोसाइनाइ एसिड और कार्बोनिक एसिड एच टू सी ओ थ्री एंड फास्फोरिक एसिड एच थ्री पी ओ फोर आर बीक एसिड बिकॉज दे आर ओनली पारशली आयोनाइज ये क्या होते हैं पार्शली आयोनाइज होते हैं मीन्स है लेस क्वांटिटी में क्या होते हैं आयनाइज होते हैं इन एक्वा सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन में ये क्या होते हैं लेस क्वांटिटी में क्या होते हैं आयनाइज होते हैं फॉर एग्जाम्पल सी एस थ्री सी डबल ओ एच एसिटिक एसिड रिएक्ट विद वाटर दैन फॉर्म हाइड्रोनम आयन प्लस सी एस थ्री सी डबल ओ माइनस आयन इस प्रकार से यहाँ पर हमने ठीक है इसको रिवर्सीबल से शो किया है इसका मीन्स ये है कि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं ठीक है जो कम्प्लीटली हैं वहाँ पर हम सिंगल का शो करते हैं एंड एच टू सी ओ थ्री कार्बोनिक आयन कार्बोनिक एसिड रिएक्ट विद वाटर देन फॉर्म हाइड्रोन आयन प्लस सी ओ थ्री माइन टू माइनस ठीक है तो यहाँ पर भी क्या होता है कि ये एक प्रकार से हाइड्रोमाइन तो प्रोड्यूस करते हैं बट स्मॉल अमाउंट में ठीक है तो इसलिए क्या होते, है? होते हैं ये बीक एसिड होते एंड अदर एच सी एन ठीक है हाइड्रोसाइनिक एसिड रिएक्ट विद वाटर देन फॉर्म हाइड्रोमान एंड सी एन माइनस आयन तो ये भी क्या होते हैं स्मॉल अमाउंट में या बोल सकते हैं कि वेरी स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर मीन्स है कि ये स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं आयनाइज होते हैं पार्शली आयनाइज होते हैं द डबल हेडेड एरो पॉइंटेड टूवर्ड्स राइट एज वेल एज लेफ्ट इन द दब इक्वेश इंडिकेट डेट दीज एसिड डू नॉट आयनाइज कम्प्लीटली इसका मीन्स ये है कि यहाँ पे क्या होते हैं जो एरोज होते हैं वो डबल हैंडड होते हैं ठीक है ठीके? और इसलिए ये ये इंडिकेट करते हैं कि ये क्या है कम, जो इक्वेशंस है वो कम्प्लीट नहीं हो पाई ठीक है एंड इट मे बी नोटेड डेड स्ट्रोंग एसिड हैव हाई कंडक्टिविटी जो स्ट्रोंग एसिड होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है बिकॉज ऑफ द लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोन क्योंकि उनकी जो कंसनट्रेशन होती है वो हाइड्रोनायन की जो कंसनट्रेशन होती है वो हाई होती है ठीक है देयर एक्वा सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन में जो स्ट्रोंग एसिड होते हैं उनकी कंडक्टिविटी हाई होती है देयर फॉर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड आर ऑल्सो रिगार्डेड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ऑन द अदर हैंड बीक एसिड आर बीक एसिड हैवे लो कंडक्टिविटी जो बीक एसिड होते हैं उनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है लो होती है एंड बिकॉज ऑफ द लो कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोन इन दियर एक्वा सोल्यूशन क्योंकि ये हाइड्रोनाइन की जो हाइड्रोनायन है वो लेस अमाउंट पर प्रोड्यूस करते हैं ठीक है तो इनकी जो कंसनट्रेशन होती है वो लो होती है हाइड्रोना ठीक है देयर फॉर बीक एसिड आर ऑल्सो बीक इलेक्ट्रोलाइट इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो बी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं बीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ठीक है स्ट्रॉग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और बी एसिड बीस बीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सम कॉमन एक् स्ट्रॉन्ग एंड बीक एसिड कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और बी एसिड में सी एस ए सी डेबल हो ठीक है तो ये इस प्रकार से बी एसिड हैं जैसे पहले तो स्ट्रॉन्ग की बात कर लेते हैं एच हो गया एच टू एस फोर एच टू एस ओ फोर सल्फरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड तो ये क्या है एक स्ट्रॉन्ग एसिड ठीक है स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे कह सकते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं फुली आयोनाइज होते हैं कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं एंड अदर एसिडिक एसिड एंड एच टू सी ओ थ्री एंड एच सी एन एच सी डबल ओ एच एंड एच टू एच ये ऑल क्या है बीक एसिड्स हैं ठीक है ये पार्शली आयोनाइज होते हैं या स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट्स में आयोनाइज होते हैं ठीक है इसी को क्या बोलते हैं big as it okay thank you